कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? मैं कुर्बानी कैसे दे रहा हूँ? मेरी पार्टी ने मुझे एमएलए का चुनाव लड़ाया, लड़ाया कि नहीं लड़ाया? मैं पार्षद भी हूँ, और आप मुझे एक बात बताओ, बनना तो एक है, पार्टी का कुर्बानी नहीं है। संजय दलाल हमारे साथ हैं जजपा से, और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले से ये निर्णय तय था कि संजय दलाल है वाइस चेयरमैन है वो बनेंगे, लेकिन राजीव दलाल है वो वाइस चेयरमैन बन चुके हैं, और लोगों का इंटरेस्ट इसी चीज़ में मैं जानने की कोशिश करूंगा। दलाल साहब, मेरा फिर से आपसे यही सवाल है, शुरू से ही संजय दलाल का नाम चल रहा था। देखिए, चुनाव भी हमने आपका देखा, बेहद लोगों से उम्मीद भी थी, शायद आपके क्षेत्र से भी उम्मीदें थी कि संजय दलाल है वाइस चेयरमैन ही ले पाएंगे, कमी कहाँ पर रह गई, ये क्या खुलासा है आप करेंगे? जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, इसमें पार्टी सर्वप्रिय होती है, और पार्टी का फैसला ये था कि राजीव जी को वाइस चेयरमैन बनाया जाए, और राजीव जी पार्टी के बहुत ही मेहनती साथी हैं, और छारा बहुत बड़ा गांव है, और दलाल खाप तो आपका भी बड़ा है, दलाल खाप का बड़ा गांव है, ठीक है, और पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद मैं आप खुद अगर कैंडिडेट होता तो इतनी मेहनत से अंदर कुछ वोट क्रॉस होने की संभावना बढ़ गई थी। मैंने उस बात को, उसको जो एक कमिटमेंट दोनों दलों की थी, हमने मेहनत करके अंदर, मैंने खुद उसको जो है पूरी तरह से समूथली गठबंधन के हक में हमने जो है उसको संपन्न कराया, और एक बहुत बड़ी जीत झज्जर ज़िले में। आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी, कुलदीप वत्स जी, अपनी झज्जर की विधायिका जी, बेरी के विधायक, आप बात को समझो कि भाई क्या नाम है, जहाँ इतनी लंबी लड़ाई चल रही हो वहाँ पार्टी का अस्तित्व बनाना, पार्टी को ताकत देना, ये सवाल नहीं है कि संजय दलाल कौन है, राजीव दलाल कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? मैं कुर्बानी कैसे दे रहा हूँ? मेरी पार्टी ने मुझे एमएलए का चुनाव लड़ाया, लड़ाया कि नहीं लड़ाया? मैं पार्षद भी हूँ, और आप मुझे एक बात बताओ, बनना तो एक है, पार्टी का कुर्बानी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, पार्टी बड़ी ताकत होती है, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और डिसिप्लिन सबसे बड़ा होता है। क्या आपकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर दिया गया? आप राजीव की कम काबिलियत मान रहे हो? पढ़ा लिखा है, टीचर है, बहुत ही सहनशील स्वभाव का आदमी है। आप इसको मैं लेकर चलोगे तो बात आगे चलेगी नहीं अलाउद जी, हम में विश्वास नहीं। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जब पार्टी अलग हुई, संजय दलाल एक ऐसे चेहरे थे जो सभी से बैर लेके, संजय दलाल है बिल्कुल फ्रंट लाइन में लेके वो काम किया, फिर आपकी काबिलियत को कमतर करके क्यों आका गया? देखिए, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़े हुए हज़ारों कार्यकर्ता हैं, वो ये टीस उनके मन में भी है यहाँ से जाएगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कैसे समझा पाएंगे संजय दलाल? संजय दलाल एक पार्टी का कार्यकर्ता है, आप इस बात को मानो। आप मुझे बताओ, वाइस चेयरमैन बड़ी चीज मानते हो या विधानसभा की टिकट बड़ी मानते हो? चेयरमैन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बेरी विधानसभा से उपेंद्र सिंह कादयान है, उनको टिकट दे दी जाती है, तो क्या बहादुरगढ़ से आपको बनाया जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता है 2024 के चुनाव में वो पार्टी के लिए अच्छा फैसला हो जाता? 2024 में और अच्छा फैसला होगा। क्या खुद के लिए आपने प्रयास किया था? देखिए, ऐसा मेरी बात, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, सिखाया जाता है, चौधरी देवीलाल जी की ये पाठशाला है, पार्टी नहीं है, उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि पार्टी सर्वप्रिय है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ आपको, ये चेयरमैनी भी जेजेपी को मिल रही थी और वाइस चेयरमैनी भी जेजेपी को मिल रही थी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो है कहा नहीं, चेयरमैनी नहीं गठबंधन चलाना। देखिए दलाल साहब, मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे बहका जाएंगे, एज ए पत्रकार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या संजय दलाल ने अपना नाम आगे रखा? वो हर आदमी का हक होता है, क्या आपने अपना नाम है आगे रखा था, क्या पार्टी के सामने अपना नाम आपने आगे रखा था, ये बताइए। मैंने राजीव जी का नाम रखा आगे, राजीव मेरे को पार्टी ने कहा आप फैसला करो, आप सबसे सीनियर हो, तो मैंने पार्टी से अनुरोध किया कि राजीव जी को बनाया जाए। इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? कुर्बानी नहीं है ये, ये आप पार्टी को कैसे लेके चलोगे आगे? राजनीति में पिछड़ जाएंगे दलाल साहब, बांटते रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ अलाउद जी, संजय दलाल पार्टी के अंदर झज्जर जिले में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, और जिम्मेदारी निभाते वक्त बहुत कुछ आपको विचार करना पड़ेगा, सभी साथियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर आप सभी साथियों को साथ लेके चलोगे तो कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। कल तक आपका नाम आगे था, आज एकदम से क्या हुआ? कह रहे हैं ना कि कल तक आपका नाम आगे था, आप कह रहे हैं पार्टी का फैसला पहले से था, कल तक आपका नाम आगे था, एकदम से ये टर्निंग पॉइंट आज ही। मेरा नाम तो कभी आगे था ही नहीं, सिर्फ ये था जेजेपी बीजेपी का बनेगा, लक्ष्य ये था, मेरा नाम किसने आगे किया?
उस बात का मुझे पता नहीं। हजारों कार्यकर्ता उम्मीद तो कर रहे थे ना कि संजय दलाल हैं लेके आएंगे कुछ। संजय दलाल लेकर के आए हैं, वाइस चेयरमैन ही जेजेपी की लेकर के आए हैं और संजय दलाल के दस्तखत से आई है। मैं उसमें एक वोटर था, मेरी सीनियर पार्टी का होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी थी। पार्टी को ताकत देने के लिए चौधरी देवीलाल जी ने तो बड़े बड़े पद छोड़े हैं। इस पार्टी के अंदर ये सिखाया जाता वाइस चेयरमैन ही तो एक बहुत छोटा पद है। संजय दलाल की बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी है तो संजय दलाल ने जो है उस जिम्मेदारी को निभाया है। आदरणीय, हमारा लक्ष्य, मैं पहले भी आपको बताता, हमारा लक्ष्य वाइस चेयरमैन ही या चेयरमैन ही नहीं है, हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री हटा करके मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री आप कह रहे थे कि उसमें वो दिक्कत हो जाती वाइस चेयरमैन के चुनाव में, क्या कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती थी, वो क्या मामला है? वो चलता रहता है, हर वो साझा कर दीजिए। दूसरे साथियों ने किया प्रयास लेकिन मैं सीनियर था, पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि आप सीनियर हो, आप इस चुनाव को देखोगे। मैंने उसको देखा और बखूबी उसको क्रॉसिंग को मैंने रोकने का काम किया। अच्छा, उन हजारों लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपसे उम्मीद लगाए हैं वो बैठे थे? मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों को एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ जननायक जनता पार्टी को लोग झज्जर ज़िले में कम आ रहे थे, आज जननायक जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत जब तक नहीं रुकेगी जब तक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का उप हट करके उनको सीएम नहीं बनाया जाता। उनको सीएम बनाया जाएगा तो चौधरी देवीलाल जी की जो सोच गाँव देहात में बसने वाले गरीब मजदूर किसान छत्तीस बरादरी छोटे दुकानदार की जो बात है उसका हम भला कर पाएंगे, हमारा लक्ष्य वो है। देखिए, खुद का भी तो कुछ होता होगा ना, आप सिर्फ एक बात कह रहे हैं दुष्यंत जी को है सीएम बनाना है, क्या संजय दलाल को एमएलए नहीं बनना, क्या संजय दलाल विधानसभा में नहीं जाना चाहते, क्या संजय दलाल नहीं चाहते कि वो भी मंत्री बने? आपका खुद का भी तो राजनीति जीवन हो। क्या मेरी पार्टी ने मुझे एमएलए का चुनाव नहीं लड़ाया? अब दुनिया सदियाँ बीत जाती हैं, हलाउत साहब टिकट नहीं मिल पाता लोगों को, क्या मेरी पार्टी ने मुझे एमएलए का चुनाव नहीं लड़ाया? ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप पार्टी को ताकत दो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी इस जिले में हमारे ऊपर है और वो बड़ी जिम्मेदारी को हम निभाएंगे, पार्टी को ताकत देंगे। क्या आज अफसोस तो नहीं हो रहा है आपको? आप उन नेताओं में से थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था सीएम आया सीएम आया, ऐसा एक नारा देने वाले, आज भी पूरे हरियाणा में जो नारा गूंजा, फ्रंट लाइन में लोगों से बैर लेने वाले और अब साइड किनारे कर दिया। नो, आप कैसे कह रहे हो साइड किनारे कर? चेहरे से नजर आ रहा है क्योंकि चेहरे के हाव भाव तो देवता नहीं छुपा सकते। आप कह सकते हो बड़ी जीत हुई है गठबंधन की, जेजेपी को वाईसी मिली है। आप चिंता ना करो, लक्ष्य उस दिन होगा जिस दिन झज्जर जिले में चारों विधानसभा जननायक जनता पार्टी की होंगी और उसके लिए संजय दलाल कोई भी कुर्बानी देने के मतलब संघर्ष ही बाटे आया संजय दलाल। संघर्ष करोगे तो तभी तो कुंदन है, संघर्ष ही बाटे आया आप, संघर्ष करोगे तो कुंदन बनोगे। ठीक है, ये संजय दलाल थे और देखिए कहनी पड़ती है सारी चीज़ें, लेकिन देखिए काबिल थे, नाम आगे चल रहा था संजय दलाल का, लेकिन ऐन वक्त पर राजीव दलाल एकदम से आगे हुए। देखिए कुर्बानी हो जाती है, हालांकि माइक पे वो बात नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन देखिए संजय दलाल का नाम काफ़ी आगे था और शायद मन में देखिए टीस तो रहती है, हर आदमी चाहता है राजनीतिक रूप से उसकी प्रोग्रेस हो, लेकिन कह रहे हैं कि संघर्ष ही बाटे है शायद संजय दलाल के यहाँ पर आया हुआ है और उन हज़ारों लोगों के लिए भी शायद ये मायूसी की चीज़ है जो उम्मीद कर रहे थे कि संजय दलाल हैं वाइस चेयरमैन बनेंगे। शुक्रिया।